हेलो दोस्तों, आपका मेरी चैनल में स्वागत है। आज मैं आपके लिए रेस्टोरेंट स्टाइल पिंक सॉस पास्ता की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। घर में आप बिल्कुल आसानी से इसको बना सकते हैं। इसके लिए मैंने एक पतीले में जो है पानी को खौला लिया है और इसमें मैं जो जो पास्ता है उसको डालूंगी और ये आपको पका लेना है। बीच बीच में इसको चलाते रहना है। थोड़ा सा इसमें आपको नमक ऐड करना है ताकि थोड़ा सा ये जो पास्ता में नमक मिल सके, और बीच में चलाएं ज़रूर क्योंकि ये नीचे से लग जाता है। साथ ही हमारा पास्ता बिल्कुल पक चुका है तो इसमें मैं पानी डाल दूंगी ठंडा, और इसमें आपको 1 ड्रॉप ऑयल डाल के इसको अच्छे से आपको मिला लेना है। चलते हैं व्हाइट सॉस बनाने के लिए। व्हाइट सॉस के लिए मैंने जो फ्रेश दही है उसको फेंट लिया है, और मैं 1 कटोरी के करीब में मैंने दही लिया है, और उसमें मैंने 1.5 चम्मच के करीब में जो मैदा इसमें यूज करूँगी, ये मैंने जो है व्हाइट सॉस बनाने के लिए किया है। ये बहुत ही इजी ट्रिक है इसका, जो इससे इसका जो टेक्सचर है वो काफ़ी क्रीमी आता है। साथ ही मैंने जो इसमें जो रेड फ्लेक्स है वो मैं डालूंगी, रेड चिली फ्लेक्स, और साथ ही साथ इसमें मैं चाट मसाला ऐड कर रही हूँ। आपको इसको अच्छे से मिला लेना है। आप देख सकते हैं कितना क्रीमी टेक्सचर इसका आया है और खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनता है। साथ ही मैंने ये सारे सामान लिए हैं और उसके लिए पास्ता को बनाने के लिए मैंने ऑयल डाल दिया। उसमें मैंने अदरक लहसुन और अदरक लहसुन मिर्ची का मैंने जो महीन बारीक काट करके इसमें डाल दिया है, और आपको ये थोड़ा सा इसका कलर चेंज करना है। फिर इसमें आपको प्याज ऐड कर देना है। प्याज थोड़ा सा आपको सॉटी करना है क्योंकि इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, हल्का सा पिंक कलर का ही रहे तभी आपको इसमें शिमला मिर्च मैंने जो बारीक काट लिया था मैं उसमें ऐड करूँगी। इसको आप अच्छे से मिला लें और थोड़ा सा ये पका लें, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है इसको। और इसमें मैंने जो है रेड करने के लिए जो मैंने इसमें टमाटर की मैंने 2 प्यूरी लिया है वो मैं इसमें मिला दूंगी, और इसमें साथ ही साथ मैंने पास्ता मसाला ऐड कर दिया है। इसको अच्छे से आपको मिला लेना है। और इसमें इसके बाद मैं जो व्हाइट सॉस है इसमें ऐड करूंगी, आपको अच्छे से इसको मिलाना है। आप देख सकते हैं ये कितना क्रीमी इसका टेक्सचर आया है, खाने में उतना ही स्वादिष्ट लगता है। एक बार इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिए, और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। ये देखिए ये व्हाइट सॉस बिल्कुल पक चुका है, तो मैं इसके अंदर जो है पास्ता जो मेरा है उसको मैं डालूंगी। पास्ता मैंने 1 ड्रॉप ऑयल डाल दिया था ताकि ये खिला खिला रहे, और इसको मैंने पास्ता डालने के बाद इसको अच्छे से मैं मिला लूंगी। आप देख सकते हैं इसका कलर कितना अच्छा आया है, और ये खाने में जितना ज़्यादा क्रीमी लगता है बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो एक बार ज़रूर इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, और अगर आपके आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो कमेंट बॉक्स में फीडबैक देना ना भूलें। और इसमें साथ ही आपको स्वाद अनुसार नमक डाल देना है, आपको ऑरिगेनो डाल देना है, ऑरिगेनो चिली फ्लेक्स, और थोड़ा सा इसमें काली मिर्च आज आपको इसमें ऐड कर देना है। ये देखिए मेरा बिल्कुल जो है पास्ता बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब चलते हैं इसके डेकोरेशन के लिए। डेकोरेशन के लिए मैंने जो है प्रेजेंटेशन के लिए जो व्हाइट सॉस का यूज मैं इसमें करूँगी, आप देख सकते हैं इसका जो टेक्सचर है कितना ज़्यादा क्रीमी आया है, और यकीन मानिए उतना ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। मैं ऊपर से इसमें व्हाइट सॉस ऐड करूँगी, और साथ ही साथ मैं इसमें जो पनीर है उसको ग्रेट करके ऐड डालूंगी। एक बार इसको ज़रूर ट्राई करिए, और आप एक बार अगर इसको बनाते हैं तो आप इसके फ़ैन हो जाते हैं क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ उसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और बेल बटन दबाना ना भूलिए।